हेलो दोस्तों, मैं हूं गुप्ता। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो भाई, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं रेनॉल्ट काइगर RXT। RXT का जो आप देख रहे हैं, ये है ऑप्शनल। तो RXT ऑप्शनल में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बता देता हूं कि काइगर में आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, RXE, RXL, RXT, RXZ। तो आप ये देख रहे हैं RXT ऑप्शनल। तो जो RXT ऑप्शनल है, उसमें काफ़ी सारा फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि टॉप मॉडल में आते हैं। वो क्या क्या आते हैं, मैं सब आपको बता दूंगा आज आपको। तो फ्रंट से अगर बात की जाए, तो कुछ आपको इस तरह के इस कार में लुक देखने के मिल जाता है। सामने से अगर बात की जाए, तो कुछ आपको इसमें टीआरएस देखने मिल जाते हैं, वाइट टीआरएस मिलते हैं आपको, विद इंडिकेटर लैंप्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, नीचे ही काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इसमें आपको 3 प्योर विजन का आपको देखने मिल जाता है LED सेटअप, लो बीम हाई बीम का ऑप्शन इसे मिल जाता है, वाइट लाइट मिलती है आपको। ये प्रोजेक्टर हेडलैंप इस कार में आते ही नहीं है, यहाँ पर दे रखी है, वैसे आते ही नहीं है इसमें। और नीचे कुछ आपके सामने फ्रंट से आपको ये कुछ रेनॉल्ट का लोगो और एक ग्रिल देखने मिल जाती है। नीचे आपको कुछ आपको रेडिएटर ग्रिल्स यहाँ मिलती है, और ये आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, और साइड से भी कुछ इस तरीके की प्रोफाइल। अब जो ये बात करी जाए ना, ये जो आपको ये लाइट दिख रही है प्योर विजन वाली, यहाँ पर 3 LED का सेटअप, ये ना सिर्फ आपको RXZ टॉप मॉडल में देखने मिलता है, लेकिन ये ना एक एडिशन है ऑप्शनल। तो इसमें आपको इसमें ये ऑप्शन ही दे दिया गया है। तो चलिए फ्रंट से देख लेते हैं। फ्रंट से तो मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरीके थी। ऊपर देखो तो यहाँ पर भी आपको वॉशर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है कार में, 2 वाइपर। साइड से अगर बात करिए, साइड से कुछ इस तरीके आपको इसमें प्रोफाइल देखने मिल जाती है कार में। टायर साइज़ की बात की जाए, तो इसमें आपको मिल जाता है टायर साइज 195/60 R16 inches का, इसमें टायर आपको देखने मिल जाता है विद डायमंड कट एलॉय। अगर इसमें अगर बात की जाए, तो आपको RXT वेरिएंट में सिंपल आपको व्हील कैप वाले मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको ऑप्शनल में टॉप वेरिएंट में जो आपको एलॉय देखने के मिलते हैं, वही आपको इसमें देखने के मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ ये ब्लैक सर्कल का काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। ओवरऑल की बात की जाए, तो आपको ये बिल्कुल ब्लैक ओवरऑल मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। रूफ़ की बात करी जाए, तो आपको कुछ ब्लैक पूरी रूफ मिल जाती है इस कार में, डुअल टोन के साथ आती है ये पूरी। डोर हैंडल्स में आपको बॉडी कलर मिलते हैं। नीचे कुछ आपको यहाँ पर पूरा ही काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर से एकदम डिज़ाइन दिया गया है कार में। यहाँ पे कुछ आपको इसमें पेट्रोल में ऑप्शन मिलता है इस कार में, सीधे पेट्रोल में आती, डीजल में नहीं आती है। पीछे से अगर बात करें, तो पीछे से कुछ इस तरह का इस कार में लुक देखने मिल जाता है। लाइट्स की बात करें, कुछ आपको इसमें इस तरीके की लाइट देखने मिल जाती है, राइट लाइट्स काफ़ी अच्छी दिखती है LED देखने में। ये आपको इंडिकेटर ऑप्शन, और ये आपको वाइट लाइट। पीछे की बात करें, तो आपको 3 बैक सेंसर इसमें देखने मिलता है, रिजर्व बैक सेंसर मिल जाते हैं, बैक कैमरा मिल जाता है रेनॉल्ट के लोगों के अंदर मिल प्लेसमेंट कर रखी है काइगर की बैजिंग, और यहाँ पर आपको रेनॉल्ट की बैजिंग देखने मिल जाती है। डिफोगर, वॉशर, वाइपर वॉशर वगैरह, और स्पॉइलर भी आपको छोटा सा देखने में मिल जाता है इस कार में, काफ़ी अच्छा है ये भी। और यहाँ पे आपको कुछ रिफ्लेक्टर्स भी देखने मिल जाते हैं कार में, ये कुछ आपको सिल्वर की यहाँ पे कुछ फिनिशिंग सी अच्छी सी मिलती है यहाँ पे देखने के लिए, और यहाँ पे कुछ नंबर प्लेट का ऑप्शन है यहाँ पर। ये कुछ साइड से इसकी प्रोफाइल। तो मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ, ये बूट स्पेस कितना मिल जाता है इसको। यहाँ से इसमें एक बटन दी गई है रिक्वेस्ट सेंसर की तरह, तो यहाँ से आपको इसे बूट स्पेस खोल सकते हैं बड़े आराम से। इसमें आपको 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है विद पार्सल ट्रे मिलती है इसमें आपको गाड़ी में, तो इन्हें काफ़ी अच्छा बड़ा बूट स्पेस देखने मिल जाता है। यहाँ से इसको बंद कर देंगे, पूरा ही रियर का लुक इस तरीके का आपको मिलता है। अब बात की जाए इसकी रियर स्पेस की, तो रियर में आपको किस तरीके का इंटीरियर क्या क्या मिल जाता है। तो रियर में अगर बात करें, तो पूरा ही आपको डोर इसमें ब्लैक मिलता है, ये तो इसमें आपको पावर विंडो मिलती है, चारों ही पावर विंडो मिलती है। रोल्स वोल्ट की यहाँ पे इसमें फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, वाटर होल्डर मिलता है, और स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। तो इस तरीके आपको फैब्रिक में इसमें सीट मिलती है, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट फिनिशिंग में इसकी सीट मिल जाती है विद हेडरेस्ट पूरा मिल जाता है इसमें। और इसमें जो स्पेस की बात की जाए, तो स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है मेरे पैरों के हिसाब से, और ऊपर भी हाइट में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। नीचे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं AC वेंट्स, और नीचे आपको यहाँ पर एक पावर का सॉकेट देखने में मिल जाता है कार में, तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे इसमें। तो चलिए अब देख लेता हूँ फ्रंट में, फ्रंट में आपको किस तरीके का इसमें इंटीरियर देखने में मिल जाता है कार में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसका डोर, तो डोर आपको पूरा ही ब्लैक इसमें देखने मिल जाता है, रोज गोल्ड की यहाँ पर भी फिनिशिंग देखने मिल जाती है, चारों ही पावर विंडो मिलती है, चाइल्ड लॉक भी इसमें आपको, ओरवियम भी कंट्रोल मिल जाते हैं इसके, जो ओरवियम है इसके यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलते हैं, ऑटो फोल्डेड वगैरह सब इसमें मिल जाता है आपको। और ये आपको इसमें कुछ बोतल का ये मिल जाता है ऑप्शन, इसमें कुछ स्पीकर के प्लेसमेंट यहाँ पर।
सीट की बात करें, सीट में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस वो मिलता है, यानी कि कुशनिंग अच्छी है इसमें और स्पेसिस है काफ़ी बढ़िया। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है इसमें देखा जाए तो, और ये आपको साइड एडजस्टेबल मिलती है, यानी कि सीट आपकी ऊपर उठ जाती है बड़े, यानी कि अच्छा लगता है इसमें बैठ के, यानी जब उठ जाती है ना ये तो पूरा बोनट दिखाई देता है। नीचे आपको ये पेट्रोल का यहाँ पे डलवाने के लिए टैंक खोलने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको इसमें पैडल मिल जाता है, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का सब मिल जाता है इसमें। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का एसी वेंट की बात की जाए तो आपको कुछ ये भी रोज गोल्ड में आपको फिनिशिंग देखने मिल जाती है। स्टीयरिंग कुछ इस तरह का आपको देखने मिल जाता है आपको इसमें पूरे, यहाँ पे इसके कंट्रोल देखने मिल जाते हैं, प्लस माइनस वाला वॉल्यूम सब देखने मिल जाते हैं। कुछ आपको इसमें काफ़ी बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और कुछ इसका ये इसका स्पीडोमीटर वगैरह आरपीएम मीटर वगैरह सब मिल जाता है इसमें, डिजिटली आपको शो करता है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा यूनिक सा इसमें देखने में मिलता है, और कारों में ऐसा कुछ नहीं मिलता। एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है आपको स्टीयरिंग पर, ऑटो क्लाइमेटिक एसी नहीं मिलेगा। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में अगर जाओगे तो उसमें ऑटो क्लाइमेटिक मिलेगा, इसमें आपको नॉर्मली एसी मिल जाता है। कुछ चार स्टॉप बटन के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ आपको इसमें सॉकेट मिल जाता है चार्ज करने के लिए, और एक यहाँ पर भी सॉकेट दिया गया है। गियर नॉब की बात करें तो गियर नॉब आपको इस तरीके से देखने मिल जाता है, काफ़ी ही क्लासी और फिनिशिंग में मिलता है आपको, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में सिल्वर की फिनिशिंग के साथ। और इनकी आपको यहाँ पे बड़ा ही अच्छा डिज़ाइन देखने मिलता है, ये देखो काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है, लेकिन यूनिक लगता है, कुछ एसयूवी लुक होता है ना कार का उस तरीके में देखने मिलता है। और कुछ आपको ये हैंड रेस्ट भी मिलता है यहाँ पे सॉफ्ट टच में आई पे, यहाँ पे कुछ नहीं अच्छी हो रखी है। और ये देखो ये काफ़ी ही बड़ा स्पेस इस कार में, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पर, और सामने कुछ इस तरह का पूरा डैशबोर्ड आपका देखने मिल जाता है। एसी के वेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दिए हैं, यहाँ पे कोई फिनिशिंग नहीं है, लेकिन और मैं सब में अच्छी फिनिशिंग कर रखी है। अच्छा स्पेस इसमें दो जगह मिलता है, एक यहाँ पे मिलता है आपको और एक आपको यहाँ भी मिलता है, यानी कि दो जगह बड़ा ही गहरा स्पेस इसमें देखने मिल जाता है पूरा अपने इसमें, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ भी बाहर भी। तो चलिए मैं बाहर से बात कर लेता हूँ कि बाहर से आपको इंजन ऑप्शन क्या मिलता है इसमें। इंजन की बात करी जाए तो इसमें 1.1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, विथ 71 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है वो, तो काफ़ी ही बढ़िया इंजन मिलता है टर्बो चार्ज के साथ, बड़ी ही गाड़ी मिलती है आपको। अगर इस प्राइस में अगर बात करी जाए तो इस प्राइस में आपको एक छोटी हैचबैक, वो भी कोई टॉप वेरिएंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसमें टॉप वेरिएंट मिल रहा है इस प्राइस में, वो भी एक SUV कार। तो मेरा तो मानना है कि आप इस कार को बड़े ही आराम से परचेज कर सकते हैं, जो कि इसमें जो जो फीचर दिए गए हैं अलॉय इसमें मिल रहे हैं आपको, इसमें मिल जाते हैं ब्लैक टोन इंटीरियर वगैरह सब, यानी कि सब अच्छा, यानी कि अच्छा मिलता है इस कार में। तो मेरी राय तो यही है कि आप इस कार को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस कार के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है या रिनोल्ट की किसी भी कार के बारे में जानकारी लेनी हो तो मैं RN ऑटोमोबाइल्स सहारनपुर का नंबर इसमें डाल दूंगा, मैनेजर का भी और यहाँ पे जो वो है सबका, यानी कि स्टाफ में भी डाल दूंगा, तो आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुछ भी जानकारी लेनी हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।